लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आपसे कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री भी वहां पे पहुंचने वाले हैं। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये बहुत ही खास तस्वीरें जिसमें कि भारतीय वायुसेना का ये विमान वहां पे पहुंच चुका है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे में ये एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विमान यहाँ पे लैंड करना चाहे या फिर यहाँ से टेक ऑफ करना चाहे इसकी भी व्यवस्था इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये तस्वीरें बहुत ही खास तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जिसका जिक्र हम आपसे कुछ देर पहले भी कर रहे थे और इसी एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। कुछ ही लम्हों में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को टकटकी बांध कर देख रहे हैं। सचमुच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर तक की यात्रा को सुगम सरल बनाएगा। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो 6 लेन का होगा और भविष्य में 8 लेन का भी हो जाएगा। आप सब देख रहे हैं कितना जोश और पराक्रम आ जाता है जब हम भारतीय वायु सेना के ये लड़ाकू विमान देखते हैं जो रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए सजग रहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से भी जुड़ रहा है और विपत्ति के समय, युद्ध के समय जब एयर स्टेशन को निशाना बनाते हैं दुश्मन, उस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये एयर स्ट्रिप हमारे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सुविधा सुलभ कराएगी। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 9 जिलों से गुजरेगा, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पहले तक ये जुड़ेगा और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ जाने के बाद वास्तव में ये पूर्वांचल